हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, साइंस क्लियर ऑन द नीड टू फेस अप फॉसिल फ्यूल सेज यूएस क्लाइमेट इन्वॉय जॉन केरी। तो इन्होंने बोला है साइंस जो है क्लियर ऑन टू द नीड टू फेस आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल। द साइंस वाज क्लियर ऑन द नीड टू फेस आउट सम फॉसिल फ्यूल, द यूएस लेड क्लाइमेट नेगोशिएटर जॉन केरी सेड इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन वेंसडे। एल्स वी आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू मेक द गोल ऑफ बींग नेट जीरो बाय 2050 और हैव अ शॉट एट कीपिंग टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ये नहीं करेंगे हम तो ये चीज़ अचीव नहीं हो पाएगी। ऑन ट्यूजडे अ ड्राफ्ट टेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल स्टॉक टेक GST सेट टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंटेशियस एलिमेंट ऑफ द क्लाइमेट टॉक्स ऑन गोइंग हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन दैट द कंट्रीज ऑट टू बी अंडरटेकिंग अ जस्ट एंड ऑर्डरली फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ये पहली बार हो रहा है फॉसिल फ्यूल का डिस्कशन हो रहा है फेज आउट होने का। While this could mean all the major fossil fuel, coal, oil, gas that are responsible for human-led greenhouse gas emissions, Mr. Kerry said that there would be some tough negotiations in the week ahead. He said that the US and China had reached agreements on reducing methane emission and the position of both countries as the number one and two economies of the world was critical to achieving these goals. He endorsed the need for the use of carbon capture and storage, a contested and largely unproven technology to capture carbon emission as necessary towards achieving a 1.5 degree Celsius target. You can raise some very legitimate questions around it, but I believe it is working to some extent. Mr. Kerry, however, refrained from committing on what potential roadblock to a deal on fossil fuel existed. In COP26 at Glasgow, countries had We are close to commitment to phase out of coal until India objected to it and proposed instead that the fossil fuel be phased out. Ultimately, it was agreed that all countries would phase down coal and inefficient fossil fuel subsidiaries. इसमें आर्टिकल क्या है हमारा इंपॉर्टेंट क्या है इस आर्टिकल में जो फॉसिल फ्यूल है आपके दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इन्होंने साफ बोला अगर हम लोग यहाँ पे फेज आउट नहीं करेंगे तो पहला टारगेट जो 2050 में नेट जीरो अचीव करना है और 1.5 डिग्री सेल्सियस पे हमें रोकना है, ये दोनों चीज़ें अचीव नहीं हो पाएंगी इफ वी डोंट फेज आउट फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट कल मैंने कवर किया था, GST न्यूज़ में आया था, कल चेक करिए कल के वीडियो में। इसमें भी पहली बार बात हुई है ऑर्डरली और ऑर्डरली तरीके से फेज आउट करने का। मेजर फॉसिल फ्यूल क्या है, कोल है, ऑयल है, गैस है। ठीक है, ये ह्यूमन लेड ग्रीन हाउस एमिशन होते हैं, ये कुछ टफ नेगोशिएशंस होंगे पर करना तो पड़ेगा। नीड फॉर द यूज़ ऑफ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ये चीज़ की हमें ज़रूरत है, कार्बन को कैप्चर करो और स्टोर कर सको जो हवा में जा रहा है आपका, किस लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, और COP26 में ये एक बात हुई थी, आप देखिए पोटेंशियल रोड ब्लॉक क्या है। COP26 में क्लोज टू कमिट थे पर इंडिया ने यहाँ पे मना कर दिया, और इंडिया अपनी जगह सही भी है। इंडिया का अगर ग्लोबल आप देखिए ग्लोबल एवरेज एमिशन वर्ल्ड का है 4%, इंडिया का एमिशन है आपका 3%, तो हम तो ग्लोबल एवरेज एमिशन से भी नीचे हैं। हमारा जो पर कैपिटा एमिशन है, पर कैपिटा एमिशन तो वो तो बहुत कम है हमारा पर कैपिटा एमिशन। जो पर कैपिटा एमिशन हमारा कम है तो हम अभी क्यों कट डाउन कर रहे हैं। आप यूएस चाइना का आप देखिए, हमारा 3% है, चाइना का 11% है तो एमिशन। तो यूएस, चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन लोग, ये लोग कम करो ना यार, पहले तुम लोग रहता तो तुम लोगों ने फैलाया है और साफ हम लोग करेंगे पर थोड़ा सा हमें भी डेवलप होने दो, हम उसको भी अच्छे से साफ करेंगे, हम कोई चीज़ छोड़ नहीं रहे। तो बस इतना ही था। थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।